मॉर्निंग गाइस। तो एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ बात हो गई है। एक्चुअली कल तो बहुत लेट पहुंचे थे यार, 10 बज गया था, बहुत थक गए थे, खा पी के सो गए, उसके लिए सॉरी। ब्लॉग भी कंप्लीट नहीं किया। अभी तो हम लोग उठ गए हैं, सुबह के बज रहे हैं 4:45, और सुबह जल्दी जल्दी हम लोग उठ के जा रहे हैं भाई। हमारा जिम कॉर्बेट का भी सफारी है, तो सफारी में एक्सपेक्टेड तो है कि टाइगर वगैरह दिखेगा, अगर कुछ दिखता है तो ज़रूर दिखाएंगे आप लोग को। और तो बने रहिए हमारे साथ। वे यहाँ पे दोनों बच्चे उठ के तैयार हो चुके हैं और कमरे के बारे में कोई कुछ कंप्लेन कर रहे हैं। क्या क्या दिक्कत है भाई? तो भाई हम लोग अपने सफारी के पिकअप डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके हैं। सुबह के बज के 5:10 में रोड पूरा खाली है, कोई जंगल में जानवर नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा। हो सकता है कुछ देखे तो सब दिखाएंगे आपको। घर है और पीछे भी सब लोग गुड मॉर्निंग कर दो। अभियानु कियान कहाँ आ गए हो, कहाँ जा रहे हो? वियानु कहाँ जा, स्प्राइट मत मत पियो, सुबह सुबह एसिडिटी हो जाएगी, वॉमिटिंग आएगी। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट में क्या करने जा रहे हो कियानु? जंगल सफारी। क्या क्या दिखेगा वहाँ पे? हाँ हाँ, वेरी गुड, यस, वेरी नाइस। तो यार हमारा यहाँ से पिकअप है, इसका नाम है प्यारे लाल नंद किशोर गल गलवालिया राजकीय स्वर्ण कतौर महाविद्यालय, जो भी है। तो यहाँ से सब लोगों का पिकअप है। मॉर्निंग अच्छी हो चुकी है, सुबह के 5:30 ऑन टाइम है हम लोग, 1 मिनट आगे 1 मिनट पीछे। हमारी आ चुकी है जिप्सी, मतलब जिससे हम लोग सफारी का करने जाने वाले हैं। थोड़ा सा हाँ 15 मिनट तो लेट आई, बट हाँ यार जब तक वो लेट नहीं बोलेंगे तब तक हम भी नहीं आ पाएंगे। सब लोग आ गया, सीट कंफर्टेबल लग रही है, अच्छी लग रही है, और बस थोड़ी देर में निकलेंगे, फिर हम लोग दिखाते हैं आपको। यार दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है आगे, ये हाथी का है, गया गया गया, मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ गया। ये भैया हाथी देखो ना क्या हो रहा है ना, उसको इधर उधर से उतरने का जगह भी नहीं मिल रहा है। आप मत खड़े हो, चलो चलो तो बैठो, क्या चप्पल के साथ खुद बैठ गए, आप कैसे बैठे हुए? पापा तो अपनी जगह पे बैठे थे, तू अपनी जगह खड़े रहो। तो भाई हम लोग तो जा रहे थे सफारी में अपने करने, लेकिन यहाँ पे हाथी ने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है, ये जो दिख रहा है। और ये ट्रक वाला पागल हो गया, इतना हॉर्न बजा रहा है, और इधर भी सब लोग ऐसे खड़े हैं, पूरा पीछे तक जाम है। और इधर कियानो भी खड़ा है, सब लोग ऊपर। और क्या भैया? नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे। और ये हाथी यहाँ पे मस्त खा पी रहा है अपना। क्या हुआ यहाँ पे? ये ट्रक वाले ने दिमाग खराब कर दिया उस हाथी का, और वो हाथी अब आ गया नीचे, और वो हाथी आ रहा है हमारे साइड, और अब यहाँ पे सारी की सारी गाड़ी बैक हो रही है। तो ट्रक वाले के पास ट्रक वाले को आज आज ट्रक वाले एकदम हाथी को इरिटेट कर दिया है। उतर गया, फाइनली उतर गया, उतर गया। हाँ तो भैया ये है अपने, भैया ये है इनका घर, ठीक है। दौड़ा भी सकता है ये। ये है अपने हाथी भाई, आगे बढ़ाओ। बाप रे गजब जाइंट है यार, जो इतने देर से ट्रैफिक किए हुए थे यार। घर तो उन्हीं का है ना, हम लोग तो सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं। हॉर्न बजा रहा है, ये क्या सफारी का ड्राइवर है? और यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग चालू हो गई है। बाप रे बाप, थोड़ी नहीं है तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। ऑफ रोडिंग क्या है, पूरा रास्ता ही खराब है, आगे जा रही है सारी की सारी जिप्सियाँ। तो भाई ये हम लोग आ गए हैं फैंटो इको टूरिज्म जोन में।
यहाँ पे अगर आपको पूरा बता देते हैं, नाइट स्टे होता है, इको हट्स, जंगल सफारी, ट्री हाउस भी है, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर, और ये है हमारा पूरा बढ़िया सा गेट। देखो यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियाँ करीब करीब आ चुकी हैं, यहाँ पे सब गाड़ियाँ आ गई, एक दो गाड़ियाँ जो बची थी वो भी आ रही है, और उसके बाद शुरू हो जाएगी हमारी सफारी। यार देखो यहाँ पे डियर्स कितने अच्छे से पानी पी रहे हैं सब। डियर देखो कोई सांबल इतना डियर देखे बाद में बड़े का फोटो लेके कोई फायदा नहीं है। मैं दीदी के लिए पड़ा हुआ है। भाई लोग ये आ गया टाइगर पानी पीने, लाइफ में पहली बार ऐसा स्पॉटिंग हुआ है। चश्मा उतार के देखो ऐसे, ये नेचुरल दिखेगा नहीं कभी। मैम बोलो मत, बस आराम से बनाते रहो। टाइगर टाइगर होता है चीज। हाँ बेटा तो भैया हमारा सफारी खत्म हो गया। सफारी तो बहुत अच्छा हुआ। ध्यान बैठिए आगे। सफारी हमारा बहुत अच्छा हुआ, हमें टाइगर दिखा, हमें भालू तो नहीं दिखा बट हमें डियर दिखा और इंडियन लिजर्ड दिखा, बहुत कुछ दिखा, और एलिफेंट तो दिखा इधर रोड पे, तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। अभी तो जंगल दिख रहे हैं, जंगल को आप देखें।